बोलता बिहार न्यूज मीडिया में आपका स्वागत है। 10 नवंबर शुक्रवार को बिहार सरकार शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक के द्वारा बड़ी बलिया के जीडीआर उच्च विद्यालय माध्यमिक विद्यालय का औचक निरीक्षण किया गया, जिससे कुछ देर के लिए विद्यालय में अफरा तफरी का माहौल बन गया। वहीं श्री पाठक ने बलिया पहुंचने की सूचना आग की तरह पूरे प्रखंड क्षेत्र के विद्यालय में फैल गई, जिस पर सभी विद्यालयों में शिक्षक मुस्तैद दिखे। निरीक्षण के दौरान श्री पाठक शिक्षक प्रकोष्ठ में नहीं बैठकर सीधे छात्र छात्राओं के वर्ग कक्ष में प्रवेश कर गए। उसमें विद्यालय के 6 वर्ग कक्षों में 10वीं 11वीं एवं 12वीं की पढ़ाई चल रही थी, जहां उन्होंने वर्ग कक्ष में पढ़ रहे बच्चों से शिक्षण व्यवस्था एवं खेल कूद के बारे में जानकारी ली। साथ ही उन्होंने वर्ग कक्ष में उपस्थित छात्र छात्राओं की संख्या का आकलन भी किया, जिसमें लगभग सभी वर्ग कक्षों के बेंच एवं डेस्क पर सभी छात्र छात्राओं की क्षमता से अधिक उपस्थिति पाई गई, जिस पर उन्होंने विद्यालय के एचएम अरविंद कुमार से बात की गई। एचएम के द्वारा विद्यालय में वर्ग कक्ष की कमी एवं प्लस टू शिक्षक के अभाव की समस्या को रखी गई, जिस पर उन्होंने मौके पर उपस्थित सर्व शिक्षा अभियान के अभियंता को विद्यालय के अंतरिक्त कोष निधि से बहुत जल्द अतिरिक्त वर्ग कक्ष बनाने का निर्देश दिया गया। साथ ही बहुत जल्द प्लस टू के लिए शिक्षक की कमी को दूर करने का भी भरोसा दिलाया। उन्होंने एचएम से बच्चों के मासिक परीक्षा के अलावा साप्ताहिक परीक्षा करवाने का भी निर्देश दिया। निरीक्षण के दौरान के पाठक के द्वारा विद्यालय के शौचालय कंप्यूटर लैब स्मार्ट क्लास का भी जायजा लिया गया, जिस व्यवस्था को देखकर वे संतुष्ट भी हुए। विद्यालय से बाहर निकलते समय विद्यालय का खेलकूद मैदान देखकर वे काफी प्रभावित भी हुए। उन्होंने मौके पर ही डीएम रोशन कुशवाहा को मैदान का संतलीकरण का दुरुस्त कर खेल कूद लायक बनाने का निर्देश भी दिया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने एचएम से विद्यालय में होने वाले मासिक परीक्षा की जानकारी भी ली। उन्होंने एचएम को मासिक परीक्षा के अलावा साप्ताहिक परीक्षा भी लेने का निर्देश दिया। मौके पर डीएम रोशन कुशवाहा, डीईओ शर्मिला राय, डीपीओ एमडीएम चंदन कुमार, माध्यमिक शिक्षा और साक्षरता के डीपीओ खुशबू कुमारी, बीईओ माधवेंद्र कुमार के अलावा शिक्षक व कर्मी मौजूद।